बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। पहला ये समझिए कि सिंदूर आप उसी को देंगे या देंगी, देंगी ही, क्योंकि पुरुष तो सिंदूर अपनी पत्नी के अलावा किसी को देंगे नहीं। तो अगर आप महिला हैं और सिंदूर देना चाहती हैं तो अपने परिवार के लोगों को ही सिंदूर दीजिए, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी पुत्री को दे दीजिए, या जिसके साथ आपके किसी महिला के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हों, बड़ा प्रेम हो, उसको भी सिंदूर आप उपहार में दे सकती हैं। लेकिन आप बिना जाने पहचाने केवल गिफ्ट के तौर पे किसी भी महिला को सिंदूर नहीं दे सकती। सिंदूर अपने परिवार में या अपने किसी प्रिय महिला को ही देना बेहतर होगा, पहली बात। दूसरी बात, सिंदूर लीजिए भी उसी से जिसके साथ आपके संबंध ठीक हो या जो महिला आपके परिवार की सदस्य हो। अब लोग करते क्या हैं कि शादी विवाह में साड़ी देते हैं, साथ में बिंदी और सिंदूर भी देते हैं। तो देखिए, अगर आप उनको जानते हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत मीठा परिचय है, तब तो आप उस सिंदूर का इस्तेमाल करिएगा। नहीं तो सिंदूर को ले जा करके देवी के मंदिर में अर्पित कर दीजिएगा, स्वयं सिंदूर का प्रयोग मत करिएगा। एक बात और जानिए, सिंदूर या कोई भी सुहाग की सामग्री, सिंदूर है, चूड़ी है, बिछिया है, ये तीन चीजें, चूड़ी को अगर हटा भी दें तो सिंदूर और बिछिया और कुछ हद तक मंगलसूत्र, ये सुहाग की, सौभाग्य की और विवाह की महत्वपूर्ण चीजें हैं। इन्हें आप मंगलवार को मत खरीदिएगा। मंगलवार को खरीदने के प्रभाव अच्छे नहीं होते, क्योंकि मंगल का जो दिन होता है वो सेपरेटिव दिन माना जाता है। वो रिश्तों की मिठास के लिए नहीं है, रिश्तों को तोड़ने वाला दिन भी है। जिस ग्रह से संबंध है वो भी सेपरेटिव प्लेनेट है। तो मंगलवार को सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया और चूड़ी, ये चीजें खरीदने से जहां तक संभव हो आपको बचना जरूर चाहिए।